हेलो फ्रेंड्स, मैं जय स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है टिकटॉक से रिलेटेड है, जिसमें आप देख पा रहे स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा होगा। इस वीडियो को कैसे एडिट करना है, कैसे अपना फोटो या फिर कोई वर्ड लिख करके या फिर अपना कोई वीडियो कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत ही आसान स्टेप है, बस एक क्लिक में ये वीडियो आपका तैयार हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों, आपके पास काइनमास्टर ऐप होना जरूरी है। अगर नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो को भी वहां से जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बट दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग आ गए अपने काइन मास्टर में। अब आपको क्या करना है, बीच वाले प्लस वाले पे क्लिक कर देना है और 9:16 वाले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, जो आप फोटो या फिर वीडियो या फिर टेक्स्ट जो लगाना चाहते हैं, उसको पहले आपको चूज करना पड़ेगा। तो मैं इसमें एक अपना पुराने ट्यूटोरियल का वीडियो ही लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इस समय कोई वीडियो है नहीं जिसको मैं आपको लगा के दिखाऊँ। तो मैं एक पुराना ट्यूटोरियल का वीडियो इसमें से ले लेता हूँ, ये वाला ले लिया। और जितना भी बड़ा आपका वीडियो, मान लीजिए अगर ज़्यादा बड़ा है तो आपको क्या करना होगा, उसको काट करके छोटा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे उस वीडियो पे क्लिक करिएगा, सीजर पे क्लिक करिएगा और ट्रिम टू लेफ्ट प्लेहेड कर दीजिएगा। तो जितना आप चाह रहे वीडियो उतना आ गया। अब दोस्तों, वीडियो तो बहुत छोटा नज़र आ रहा क्योंकि हमने 9:16 रेशियो को सिलेक्ट किया है। तो वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ बीच वाले क्रोप पे जाएंगे और यहाँ पे जो है दोनों को इक्वल करके इसको इस तरीके से जूम कर लेंगे जितना हम दिखाना चाह रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं, इस टाइप पर ये हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको लेयर पे जाना है और उस वीडियो को जो है यहाँ पे इनपुट कर लेना है जिस वीडियो में हम एडिटिंग करना चाहते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ये वीडियो आ गया। इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप फुल इसको फुल फ्रेम में कर देंगे। अब आप लोग देख लेना होगा कि आपका जो वीडियो है वो नीचे वाले वीडियो से ज़्यादा बड़ा अगर है तो इसको सीजर पर क्लिक करिए और टीम टू राइट प्लेहेड कर दीजिए और ये वीडियो कट गया। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, इसमें जो नीचे आपका वीडियो एडिट होना है उस पर क्लिक करिए और क्रोमा की पे जाइए और यहाँ से सिंपली इसको इनेबल कर दीजिए। अब आप देख पा रहे दोस्तों कि ये आपका वीडियो इस टाइप का दिख रहा है। अभी भी इसमें बाकी है। यहाँ पे साइड में शेयर के नीचे आप सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से ऑडियो फेड आउट को बंद कर देना होगा ताकि आपका सॉन्ग जो चलेगा वो अच्छे चलेगा। और इसमें जो खास तौर बात ये है, जो आपका ओरिजिनल वीडियो है सबसे पहले आपको क्या करना, उसके साउंड को यहाँ से बंद कर देना है। तो अब आपका साउंड बंद हो गया है। अब मैं एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस टाइप का आपका वीडियो बनकर तैयार होगा। या तो आप उधर से दौड़ते हुए अपना वीडियो बना सकते हैं या फिर अपना फोटो लगा सकते हैं या फिर अपने नाम का टैक्स लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको दोस्तों, या शेयर वाले क्लिक करना है और 720 और 30 फ्रेम पर इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलता हूँ, फिर से मिलता हूँ।